हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकाशिया किचन माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मटर और आलू की ढाबा स्टाइल सब्जी। इसके लिए हमने ले लिए गाजर मटर, ये आलू काट कर पानी में सोख कर लिए हैं, टमाटर काटे हैं 3, लहसुन मिर्ची और ये है अदरक लहसुन और टमाटर की जो पेस्ट बनी हुई, धनिया लिया है भरपूर मात्रा में। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तेल हमने डाल लिया है कढ़ाई में, गर्म होने देते हैं अभी भाप निकलने तक। तेल में भाप निकलने लग चुकी है जी। अभी मैं गैस बंद कर दूँगा, इसका टेम्परेचर डाउन होने दूँगा ताकि हमारे मसाले जले ना। ठंडा हो चुका है, इसमें लहसुन और ये हरी मिर्ची जो काट के रखी थी वो डाल देती हूँ। साथ में इसके डालेंगे करौंजी, काला जीरा बोलते हैं जिसको, और जीरा 2 चम्मच के करीब। थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग डाल देंगे। अभी इसी के साथ हम आलू और मटर डाल देंगे, बिल्कुल इसी के साथ में। गैस ऑन कर दी हमने, हमने फ्रेश मटर लिए हैं जी। अगर आप फ्रोजन लेंगे तो बाद में भी डाल सकते हो गाजर के साथ, हमने फ्रेश लिए हैं इसलिए आलू के साथ डाल दिए उनको। इसी के साथ में ये मसाला तैयार किया हुआ हमने, इसमें हमने मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट है। मिर्च और करौंजी के में जो पेस्ट बनता है ना, तेल में आता है फ्लेवर, वो सब्जी को महका देता है। एक दो मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें गाजर डालेंगे। इस सब्जी के लिए मैंने लाल गाजर ली है, इसमें थोड़ी सी मिठास होती है, आप चाहो तो ऑरेंज भी ले सकते हो, और मैंने लाल गाजर ली है। अभी इसमें हम गाजर डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट ढककर पकाएंगे। दो तीन मिनट बाद उठाकर देखते हैं। अभी हम इसमें मसाले डालेंगे सूखे,
कश्मीरी मिर्च एक चम्मच के करीब, हल्दी एक चम्मच, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा एक चम्मच से, जीरा पाउडर जो भुने हुए जीरे का पाउडर है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो आप। हमने बस इतना ही डाला है कि सब्जियां इसमें अच्छी तरह गल सकें। इसको करेंगे मिक्स, ये ढाबा स्टाइल गाजर मटर और आलू की सब्जी है, तो इसमें ये सारा सामान डाला भी था। अभी इसमें डालेंगे टमाटर, अभी टमाटर के खट्टे मीठे रस में ये बन जाएगी, खट्टे रस में अच्छी तरह से इसमें खटास आ जाएगी टमाटर की, और ये टमाटर में पानी है उसी के साथ ये गाजर आलू मटर पक जाएंगे, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसको ढककर पकाएंगे अभी, अभी देखते हैं चेक करते हैं। ये मैंने कस्तूरी मेथी थोड़ी सी पानी में भिगो कर रखी थी, अभी ये डालेंगे पानी निकालने के बाद। पानी में भिगोने का इसका एक ही कारण था, इसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है, नमी आने के बाद ये सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू देती है। ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। अभी सब्जी को मैं हम डालेंगे धनिया, वो भी भरपूर मात्रा में। सब्जी हमारी बनकर तैयार है जी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, मुझे भी हौसला मिले थोड़ा सा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और मेरे वीडियो देखते रहो, ऐसे वाली सब्जी बनाते रहो। जी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अभी आपको बस 2 मिनट स्टीम देने के लिए इसको कवर करेंगे। आपको सब्जी दिखाते हैं नज़दीक से, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बनी है, बहुत अच्छी शाइन आई है सब्जी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।